दोस्तों, ये है मेरा सेंट मोबाइल एप्लीकेशन जिसमें आज मैं आपको बेनिफिशियरी ऐड करना बताता हूँ। जब भी आप किसी को फंड ट्रांसफर करने जाएंगे, देखिए बेनिफिशियरी टू अकाउंट में यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर फिर आप सेलेक्ट करते रहेंगे, हो सकता है कि आपके खुद के अकाउंट यहाँ पर दिखाई दे, लेकिन आपको जब किसी तीसरे बंदे को पैसे सेंड करने हैं तो उसका अकाउंट डिटेल्स यहाँ पर ऑलरेडी फिल करना पड़ता है। वो कैसे करेंगे, तो देखिए एप्लीकेशन ओपन कर लेना, आपको यहाँ पर अकाउंट्स मिलेगा, सबसे ऊपर नीचे सेक्शन मिलेगा पेमेंट का, जिसमें मैनेज बेनिफिशियरी का बटन दिखाई देगा। इस पर आपको चले जाना है। यहाँ पर जाने के बाद देखिए पेई लिस्ट यहाँ पर आ जाती है। मेरे पेई में यहाँ पर कोई नहीं है, ऐड पेई में करना पड़ेगा। आप ऐड पेई करते समय आपको ऐड बेनिफिशियरी का डेटा सेलेक्ट करना होगा। तो देखिए पहले आप अकाउंट टाइप चूज करेंगे सामने वाले का जिसको पैसे भेजने हैं। तो यहाँ पर हम टच करेंगे, तीन ऑप्शन आपके सामने निकल कर आते हैं। अदर सीबीआई अकाउंट, हो सकता है सेंट्रल बैंक के किसी अकाउंट में आप पैसे सेंड करना चाहते हैं तो वो सेलेक्ट कर लीजिए। अदर बैंक अकाउंट जिसमें आपको एनईएफटी आईएमपीएस करनी है, या फिर अदर बैंक अकाउंट जिसमें आपको सिर्फ आईएमपीएस एमएमआईडी के थ्रू करनी है। तो हम यहाँ पर अदर बैंक अकाउंट एनईएफटी आईएमपीएस चूज करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आप चाहे तो आईएमपीएस डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन जब बहुत बड़ा अमाउंट होता है तब फिर एनईएफटी करना होता है, दैट्स व्हाई हमने आईएमपीएस या एनईएफटी चूज किया है पी2ए। इसके बाद आपको अकाउंट नंबर डालना है सामने वाले बंदे का, वो यहाँ पर डालेंगे। एक बार अकाउंट नंबर री एंटर करना होता है। अब सामने वाले अकाउंट नंबर का आईएफएससी आपको डालना होगा। दो चीज़ें हो सकती है कि भाई आईएफएससी आपको पता है, नहीं पता है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं उनका आईएफएससी, वो यहाँ पर आपको डालना है। वो कैसे करना है कि भाई सामने वाले से पूछो उनका बैंक कौन सा है और उनकी ब्रांच पूछो। जैसे मेरा कोटक बैंक है और ब्रांच कोथरूड है, तो मैं यहाँ पर डालूंगा और डालूंगा आईएफएससी, लिख दूंगा सामने और सर्च करूंगा तो मेरे सामने जो है यहाँ का आईएफएससी कोड आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर ये आ चुका है, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। आईएफएससी ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ होती नहीं है, और यही आईएफएससी में यहाँ पर जो है डाल दूंगा। तो क्या था, ये डालने के बाद आपको अकाउंट टाइप सामने वाले का सेलेक्ट करना है, करंट अकाउंट है सेविंग अकाउंट क्या है, तो मैं यहाँ पर सेविंग अकाउंट डाल देता हूँ। इसके बाद आपको बेनिफिशियरी का नाम डालना होगा, उनका निकनेम आप डाल सकते हैं अगर आप डालना चाहते हैं तो, और बेनिफिशियरी की एक लिमिट आप सेट कर सकते हैं भाई कितने रुपये आप मैक्सिमम इन्हें भेजना चाहेंगे। तो मैं यहाँ पर 1 लाख रुपये लग देता हूँ। अब देखिए एड्रेस आपको डालना होगा, कहीं भी डालेंगे तो चल जाएगा। टी पिन आपको डालना पड़ेगा, लेकिन अब टी पिन कैसे बनाना है, कैसे करना है, सारा वीडियो आपको ऑलरेडी चैनल पर मिल जाएगा। टी पिन डालते ही सबमिट कर देंगे। तो देखिए एड्रेस हमें यहाँ पर डालना होगा, तो आप कुछ भी डाल सकते हैं, सबमिट करेंगे। एक बार आईएफएससी डिटेल्स आपने जो है डाल दी, तो अब देखिए बेनिफिशियरी एडेड सक्सेसफुली। अब देखिए वापस जब वो बेनिफिशियरी देखना, तो आपको मैनेज बेनिफिशियरी का बटन दबाना होगा। अब पे लिस्ट में आप जाएंगे और यहाँ पर बेनिफिशियरी सिलेक्ट करेंगे, भाई कौन सा वाला था। तो आप यहाँ पर जैसे ही सिलेक्ट करेंगे ये वाला, आपको बेनिफिशियरी दिखाई दे देगा। अभी देखिए बेनिफिशियरी स्टेटस जो है इनएक्टिव है थोड़े समय के लिए। बेनिफिशियरी विल बी एक्टिवेटेड 11 मार्च, आज ही 2:30 बजे के आसपास वो जो है चालू हो जाएगा। कुछ समय लगता है, 4 से 5 घंटे फिर चालू हो जाता है। सीबीआई अकाउंट के बेनिफिशियरी ढूंढने जाऊंगा तो ये देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अगर मैं अदर बैंक के देखने जाऊंगा तो इस तरीके से मुझे यहाँ पर पे लिस्ट में दिखाई देंगे बेनिफिशियरी। और जब मैं फंड ट्रांसफर करने जाता हूँ तो यहाँ पर भी मैं चूज कर सकता हूँ, अकाउंट नंबर यहाँ पर डालना पड़ेगा मुझे। अगर जैसे ही ये बेनिफिशियरी जो है हमारे एक्टिव हो जाते हैं तो वहाँ पर लिस्ट में हमें दिखने लग जाएंगे। तो ये है दोस्तों तरीका बेनिफिशियरी ऐड करने का। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।